टीबीसी का ये ब्लड सैंपल है, ये मिक्स हो रहा है, अब इसको हमने यहाँ इस मशीन में लगाएंगे। अच्छा, इस मशीन में यहाँ देखिए किस तरीके से लगाया जा रहा है सैंपल को। अभी ये 3 मिनट के अंदर में इसका रिपोर्ट दे देगा। सीबीसी जांच अक्सर डॉक्टर लिखते हैं, इसका मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। शायद आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि ब्लड की जांच जो है वो कैसे की जाती है। अक्सर आप ब्लड देते हैं, रिपोर्ट आपको मिल जाता है, लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा। लेकिन हम आपको पूरे तरीके से दिखाएंगे कि कैसे जो है जांच किया जाता है। हालांकि ये ऑटोमेटिक मशीन है और सीबीसी का टेस्ट ये ऑटोमेटिक मशीन से करेंगे। ये जो है लैब टेक्नीशियन है, 32 सालों का इनका एक्सपीरियंस है, केरला से है, पहले पटना में थे और अब जो है मधुबनी में अपनी सेवा दे रहे हैं। और एलएफटी केएफटी कैसे की जाती है वो भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जो मशीन यहाँ पर देख रहे हैं, इस मशीन की कीमत है 33 लाख रुपया। और ये मशीन जो है जिला में पहली ऐसी मशीन है जहाँ थायराइड, इसके अलावा जो है कैंसर मार्कर की जांच जो है इस मशीन के द्वारा की जाती है। पहले लोग पटना जाते थे, दिल्ली जाते थे जांच के लिए, लेकिन अब जो है मधुबनी में जो है ये सुविधा उपलब्ध हो गई है मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक में। ये बिलाल भाई है जो कि एक लैब टेक्नीशियन है, अभी जो है ये सीबीसी की जांच करके दिखाएंगे। नाम हमको ऐड कर देना। अच्छा, इस पे सैंपल पे जो नाम लिखा है वो ऐड कर देना है। उसके बाद हमारा चला आया उसका एज क्या है और फिर जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, वो दे दिया। सीबीसी का ये ब्लड सैंपल है, ये मिक्स हो रहा है, अब इसको हमने यहाँ इस मशीन में लगाएंगे। अच्छा, इस मशीन में यहाँ देखिए किस तरीके से लगाया जा रहा है सैंपल को। अभी ये 3 मिनट के अंदर में इसका रिपोर्ट दे देगा। तो मतलब कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। नहीं होता, एलआई सिस्टम, इसमें जो रिपोर्ट आया फाइंडिंग वो सीधे मशीन में चला गया। अच्छा, इस मशीन का क्या कॉस्ट होता होगा? इसका कॉस्ट तो करीब 3-4 लाख के आसपास। 4 लाख रुपए की ये मशीन है। अच्छा, इसमें और सीबीसी के अलावा और क्या सब जांच करते हैं? कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें आपका डिफरेंशियल, जैसे डब्ल्यूबीसी में डिफरेंस होता है, डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, वो सब का पार्ट अलग अलग करके देता है। और 3 पार्ट में उसमें कन्फ्यूजन है, उसमें परसेंटेज में देता है 2 के साथ, तो उसको फिर डिफरेंशिएट करने के लिए हमको माइक्रोस्कोपी का सहारा लेना पड़ता है। डिफरेंशिएट करना है तो माइक्रोस्कोप वो कन्फर्म होगा, लेकिन इसमें ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके दे देता है। अच्छा, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता है? हाँ, गड़बड़ नहीं हो सकता, टाइम टू टाइम इसका मेंटेनेंस होता है, सुबह शाम मेंटेनेंस होता है और फिर इसका कैलिब्रेशन होता है, इसका ऑटोमेटिक, इसका कमर्शियल कंट्रोल आता है। एलएफटी केएफटी इससे नहीं कर सकते? नहीं हो सकता, वो दूसरी मशीन है। दूसरी मशीन है, वो भी हम दिखाएंगे मशीन। इसका रिपोर्ट तो आपने 3 मिनट में दे दिया, एलएफटी केएफटी कितने देर में आ जाएगा? अगर हमारा मशीन रनिंग कंडीशन में है तो एलएफटी केएफटी आपको 15 से 20 मिनट में आ जाएगा। 15 से 20 मिनट में आ जाएगा। एलएफटी करने के लिए पहले आप क्या करते हैं? एलएफटी करने के लिए पहले सैंपल चाहिए हमें, सीरम सैंपल। अच्छा, सैंपल लेते हैं। हाँ, सैंपल लेते हैं, सैंपल का इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसमें पोजीशन देते हैं मशीन के अंदर का, मशीन के अंदर का पोजीशन दिया, पेशेंट का नाम, एज, जो भी प्रोटोकॉल है उसको पूरा करते हैं। इसमें कुछ भी गलत रिपोर्ट नहीं आ सकता, इस बात की क्या गारंटी? इसकी गारंटी ये है कि डेली कैलिब्रेट और कंट्रोल चलता है इसका। अच्छा। मॉर्निंग में कैलिब्रेशन होता है और कंट्रोल होता है। अच्छा। कैलिब्रेशन और कंट्रोल का रिपोर्ट मशीन खुद पास करती है, पास कर देगी तो हम कोई टेंशन नहीं है कि मशीन का रिपोर्ट गलत आएगा। एलएफटी जब करते हैं तो बहुत सारा फंक्शन उसमें रहता है, एसजीपीटी, बिलीरुबिन, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये सब जो है बिल्कुल सटीक रहेगा उसमें? जी हाँ, एकदम सटीक रहेगा, कुछ भी मिस्टेक। कैलिब्रेट होता है तो हर एलएफटी का हर एक पैरामीटर, जिसको आप एसजीपीटी, बिलीरुबिन, सब कैलिब्रेट होता है, सब कैलिब्रेट होता है। मेरा नाम राकेश जॉर्ज हुआ। आप लैब टेक्नीशियन कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 30 साल के ऊपर। अच्छा, हो गया है। 30 सालों से। जी जी जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? बिलाल अहमद। बिलाल अहमद, कब से ये इस टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं? फिलहाल 4 साल हो गया है हमारा। अच्छा, स्कूल में कहाँ से लिया है? डिग्री हम DPMI दिल्ली से लिए हैं। अच्छा जी। 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी जी। ये ऑटोमेटिक है या क्या है? फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक है, मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना होता है। पहले क्या होता था कि छोटा मशीन आता था, उसमें जो ह्यूमन एरर प्रॉब्लम है, जो वॉशिंग का प्रॉब्लम होता था, उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट जो है डिफर हो जाता था। इसका 33 लाख रुपया दाम है। हाँ, इसलिए दाम है क्योंकि ह्यूमन एरर नहीं हो पाता यहाँ। वॉशिंग एकदम अच्छे से होता है इसमें, या हार्मोन्स कोई भी मशीन हो उसमें वॉशिंग जो है। पहले हमको यह बताइए कि इसमें जांच क्या सब होता है? इसमें हार्मोन्स जितना भी हो गया, TSH T3 T4 Free T3 Free T4, प्रोलैक्टिन वगैरह जितना है, कैंसर मार्कर है, CA125 OB125 जितना है सब होता है हमारे यहाँ। AMH वगैरह भी होता है। अगर बाहर भेजते थे इसी मशीन के लिए, जो बाहर भेजते थे, दिल्ली मुंबई भेजते थे, तो 1 सप्ताह 10 दिन रिपोर्ट में लग जाता था, हमारे यहाँ 1 दिन में हो रहा है। बहुत से बहुत हम लोग सुबह में दीजिएगा तो 2 बजे रिपोर्ट दे देंगे। अच्छा, मतलब क्या सुबह में ब्लड सैंपल लेके 2 बजे रिपोर्ट दे देंगे? 2 बजे रिपोर्ट दे देंगे। अच्छा, मतलब इतना क्विक सर्विस है। प्लस 3 आवर मिनिमम चाहिए। पैसा तो बहुत लगता होगा ना टेस्ट का? जैसे
टेस्ट का पैसा वही नॉर्मल है जो पहले होता था। हमारे यहाँ मशीन का कॉस्टिंग है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मशीन का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, 33 लाख रुपए का। इसमें रिपोर्ट गड़बड़ नहीं हो सकता है? कोई गड़बड़ नहीं है, क्या कि हम लोग टाइम टू टाइम, ये सिर्फ 28 दिन का इसका जो पैकेजिंग होता है 28 दिन में एक्सपायर कर जाता है एक पैक। अच्छा। और 28 दिन में रिपीट करना होता है हमको कैलिब्रेशन, खासकर इस मशीन के लिए टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, एकदम टेस्ट आ रहा है। देखिए यहाँ से सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं? आस पास के गाँव सब में जब 7 दिन 8 दिन लगता था और एक दिन में हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा है और कहीं भी नहीं जा रहा आदमी। और इसको एकदम एक सप्ताह से, मतलब एक दिन समझ लीजिए ना, अगर आपको बीमारी है एक सप्ताह लेकर लगता है रिपोर्ट लाने में, तब तक आपको क्या हालत खराब हो जाएगा, इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत। फास्ट एंड क्विक, फास्ट एंड क्विक। यहाँ पर मॉडर्न मशीन लगी है और ये जो सेटअप देख रहे हैं, ये लैब का सेटअप जो है 1 करोड़ रुपए का है। मेरे साथ लैब के डायरेक्टर हैं, इनका नाम है हिमांशु शेखर। अब ये जो है इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियरिंग करके जो है यहाँ लैब इन्होंने खोला है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी और VOH24 के जितने भी दर्शक हैं उनका हमारे मेड रिलीफ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है कि हम लोगों को मौका दिए आपके चैनल पे आने के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए कि हम लोग क्या हैं क्या नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ टेस्ट क्या सब होता है? हम लोगों के यहाँ हर एक प्रकार का टेस्ट होता है, जैसे हम लोग टोटल 404 तरह का जांच करते हैं। 404 तरह का मतलब ब्लड में? हाँ, ब्लड में, जिसमें हम लोगों का जो नॉमिनल जांच है, जो मधुबनी में छोटे मोटे जाँचगर या सब करते हैं वो तो करते ही हैं, प्लस हम लोगों के पास बहुत सारा ऐसा भी जांच है जो स्पेशल टेस्ट के कैटेगरी में आता है, वो भी हम लोग करते हैं। प्लस जितना भी स्पेशल टेस्ट, मतलब वो होता है जो टेस्ट मधुबनी शहर में नहीं होता है, जिसके लिए हम लोगों को 2-3 दिन वेट करना होता है, बाहर जाना होता है, वो सब चीज़ सब हम लोग यहीं प्रोवाइड करते हैं। हम लोग उम्मीदन, अगर मॉर्निंग में सैंपल मिलता है तो 3 PM तक हम लोग रिपोर्ट दे देते हैं सबको कि नेक्स्ट डे लोगों को, मतलब हम लोग की एक सोच है कि सेम डे पर रिपोर्ट दे। हाँ, हम लोगों की एक सोच है कि गांव से लोग आते हैं तो उनको सेम डे, मतलब एक ही बार आए, क्योंकि गरीब लोग यहाँ पर, गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं, उनको आज ही रिपोर्ट, मतलब ब्लड लो, आज ही रिपोर्ट दो, आज ही डॉक्टर से दिखाएं और घर चले जाए, तो उनका अगर हम कुछ सेविंग कर सकते हैं तो ये हमारी तरफ से सेविंग है। और ब्लड टेस्ट के अलावा और क्या सब यहाँ पे होता है? ब्लड टेस्ट के अलावा हमारे पास एक्सरे होता है, TMT होता है, ECG होता है, और भविष्य में हम लोगों ने सेटअप के लिए स्पेस छोड़ रखा है MRI के लिए और अल्ट्रासाउंड के लिए। अच्छा। कि हम लोग का सोच है एक कि एक छत के नीचे सब फैसिलिटी मिल जाए, कि कभी भी कोई आए तो उसको ये नहीं कि अब यहाँ पे ब्लड टेस्ट दो, कहीं और एक्सरे। अच्छा, करो। आप इंजीनियरिंग करके जो है से आपने लैब खोल दिया डायग्नोस्टिक, तो ये बताइए किसके पीछे क्या सोच है? सोच यही है कि जो लोग जिस चीज़ से परेशान होते हैं वो लोग उसी चीज़ का दर्द जानते हैं। हम इस चीज़ में, मतलब 12 साल से अपने मदर को लेकर परेशान रहे, मेरी मदर का कुछ है मेडिकल कंडीशन जिसमें हम 12 साल लगे, तो हमको लगा कि एक ज़रूरत भी है शहर को, क्योंकि जैसे हम परेशान हो रहे हैं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं एक छोटे से छोटे टेस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ जितने भी टेस्ट हैं सिर्फ एक जगह को छोड़ के बाकी हर एक जगह पैथोलॉजिस्ट नहीं बैठते हैं, सब जगह आपको लैब टेक्नीशियन दे देंगे, अप्रूव्ड रिपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई आपको वैलिडेट करेगा नहीं। हमारे यहाँ ये अप्रूवल रहता है कि, मतलब सोच है कि कस्टमर कोई आए तो उसको ऐसा रहे कि एक बार पैसा लगे सही रिपोर्ट मिले, ये वाला नहीं। हम लोग का कमाना सबका उद्देश्य होता है, लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हमको कमाना ही कमाना है, हमारा ये उद्देश्य भी है कि लोगों को सही रिपोर्ट दे एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ। सालों से है यहाँ पर मधुबनी में? मधुबनी तो मेरा बाई बर्थ यही प्लेस है, लेकिन इस लाइन में मैं 1.5 साल से हूँ। लास्ट 2021 2 नवंबर को हम लोगों ने सबके आशीर्वाद, मधुबनी नगरवासियों के आशीर्वाद से हमने ये खोला था और बहुत ही अच्छा हम लोग चल रहे हैं। शहर का भी हम लोगों की तरफ अच्छा रुझान है, हम लोगों को सही लग रहा है काम करने में भी, और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आशीर्वाद है हमारे ऊपर और सही चल रहा है हम लोग। अच्छा, तो क्या कहेंगे मधुबनी शहर के लोगों को, खासकर जो है पूरे मधुबनी जिला के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि एक बार हम लोगों पे ट्रस्ट करें, भरोसा करें, आए देखें समझें। और हम लोग एक ऑप्शन ये भी देते हैं, क्योंकि डॉक्टर रिकमेंडेशन के अलावा अगर आप हमारे पास आते हैं जाँच कराते हैं और आपको लगे कि ये रिपोर्ट शायद गलत दे दे, क्योंकि लोगों को रहता है, क्योंकि निगेटिव थॉट बहुत आता है लोगों के दिमाग में, तो हम लोग एक ऑप्शन देते हैं, चाहे आप डॉक्टर के थ्रू आएँ या डायरेक्ट आएँ, आपको ये ऑप्शन है कि आप हमारे रिपोर्ट पे कभी भी डाउट हो तो एक हायर लैब, जो मधुबनी नहीं, मधुबनी का बाहर लैब है जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जो रेपुटेड लैब हो, उससे हमारे रिपोर्ट को वेरी कर ले। अगर हमारे और उसके रिपोर्ट में वेरिएशन आए, इनफैक्ट हमारा जो हॉर्मोन्स का मशीन है जो इस जिला में किसी के पास नहीं, उसके भी रिपोर्ट को वेरी कर ले, 1.1 हमारा रिपोर्ट है तो उसका रिपोर्ट 2.1 नहीं होगा, 1.3 हो जाएगा या 1.4 ही होगा, इतना ही का वेरी होगा, हमारा रिपोर्ट कभी चेंज नहीं होगा। अगर चेंज निकला तो आपको हम फुल बॉडी का पैकेज जहां से भी आप करवाना चाहें उसका 3 का पेमेंट हम लोग करेंगे, आपको रिटर्न में भी दे सकते हैं और मौखिक तो हम कह ही रहे हैं, मतलब रिपोर्ट जो है एक्यूरेट आएगा इसकी गारंटी। हाँ, ह्यूमन एरर का हम लोग नो चांस रखते हैं। देखिए, हम लोग का एक मेन थीम है स्पीड विथ एक्यूरेसी, लेकिन स्पीड एंड एक्यूरेसी के चक्कर में ये नहीं है कि रिपोर्ट को कहीं से भी ख़राब कर देना है। हम लोगों का एक सोच है कि नहीं, रिपोर्ट भी उतना ही, मतलब जरूरी है, सही सही रिपोर्ट जरूरी है जिससे लोगों को फायदा मिल सके। पैकेज भी है क्या यहाँ? हाँ, पैकेज का भी सिस्टम है अपने पास, फुल बॉडी पैकेज है अपने पास। फुल बॉडी पैकेज का कितना लेते हैं? 2050। इसमें कितने तरह की जांच होती है?
इसमें फुल बॉडी मीन्स होता है फुल बॉडी, उसमें मतलब सीबीसी आता है, लीवर आता है, किडनी आता है, लिपिड प्रोफाइल आता है, थायराइड आता है, विटामिन आता है, फिर HbA1c आता है, ब्लड शुगर रैंडम आता है, मतलब इसके अलावा कोई टेस्ट बचा? 2000 रुपए में हो जाए। हाँ 2050 में। फैमिली पैकेज है क्या? नहीं फैमिली पैकेज नहीं होता, ये यही होता है नॉमिनल है, जो 6000 का टेस्ट है हम तो आपको 2050 में करके दे रहे हैं। 6000 का टेस्ट 2050 में करके दे रहे हैं। हाँ हाँ इससे ज्यादा नहीं, दो फुल बॉडी टेस्ट, फुल बॉडी हमारा और लाल का सेम है। रिकमेंडेशन पे करेंगे या ऐसे भी कर देंगे? ऐसे भी कर देंगे। हाँ अच्छा ये बताइए कि आप अपने इस डायग्नोस्टिक का जो है पूरा पता बता दीजिए, कैसे लोग आएंगे? ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है ये आप अपने जिला में बहुत ही एक सही लैंडमार्क है, वाटसन हाई स्कूल, उसके सामने बाजार इंडिया मॉल और मारुति शोरूम के बीच में है, मतलब एग्जैक्ट बाजार इंडिया मॉल और मारुति शोरूम के बीच में। नाम है मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक और ये कॉरपोरेट ऑफिस है। ये यहाँ पर अभी हम लोग नया ब्रांच भी खोले हैं बिहार शरीफ में, आप लोग आएँ देखें, पहले एक बार देखें, फिर आपको सही लगे तो आप हमें मौका दें, उसके बाद हम आपको इतना यकीन और भरोसा दिलाते हैं कि आप खुद नेक्स्ट टाइम से बोलेंगे कि मेड रिलीफ ही सही है हमारे लिए।